हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ चर्चा करेंगे आपके मंथली लव राशिफल अगस्त 2022 के विषय में। अब क्योंकि ये चर्चा मंथली लव राशिफल की है तो यहाँ पर आपको कहना चाहेंगे कि ये जो कार्यक्रम है पूर्ण रूप से लग्न राशि पर आधारित है, ना कि चंद्र राशि पर। लग्न राशि कैसे देखी जाएगी इसके विषय में भी आपको जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले आप अपनी जन्म कुंडली, जन्म पत्रिका जिसको आप कहते हैं, वो खोल लीजिए। खोलने के बाद सबसे पहले आपको लग्न चार्ट नज़र आएगा, जिसको लग्न पत्रिका भी कहा जाता है। उसमें जो 12 घर हैं उसमें सबसे ऊपर का सेंटर का जो घर है, टॉप का, वो लग्न भाव कहलाता है। वहाँ पर जो नंबर लिखा है, मान लीजिए कि अगर वहाँ पर 9 नंबर लिखा है, 9, तो 9 नंबर की राशि होती है धनु। तो इसका मतलब आपका धनु लग्न हो गया। तो जब हम धनु लग्न राशि के जातकों के विषय में प्रेडिक्शन देंगे तब आप उसको ध्यान से सुनिएगा, वो आपके ऊपर फिट बैठेगी। और फॉर्चुनेटली इस कार्यक्रम में भी हम धनु लग्न राशि के जातकों की ही बात करने जा रहे हैं, उन्हीं के ही मंथली लव राशिफल अगस्त 2022 के विषय में बताने जा रहे हैं। तो अब आप ध्यान से सुनिए अगर आप धनु लग्न के जातक हैं। और 5 पॉइंट्स पर हम डिस्कस करेंगे और वो 5 पॉइंट्स हैं। नंबर 1, सिंगल जातक जिनका अभी तक कोई मित्र नहीं बन पाया है, तो क्या इस महीने इस बात की पॉसिबिलिटी रहेगी अगस्त में कि आप धनु लग्न के जातकों का कोई मित्र बने, आपको कोई मित्र मिले। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट जो रहेगा वो लव रिलेशनशिप और लव अफेयर्स को लेकर के रहेगा कि उनकी स्थिति कैसी रहेगी, आपके बीच में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम तो नहीं खड़ा हो जाएगा। विवाह को लेकर के अगर कोई प्लानिंग थी तो क्या उसमें सक्सेस हो पाएंगे, विवाह कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ग्रह क्या इजाज़त दे रहे हैं इस चीज़ की, कितना सपोर्ट है आपके लिए, कितना नहीं है। इसके बाद बात करेंगे वैवाहिक जीवन के विषय में, जो महिला पुरुष विवाहित हैं उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है इस अगस्त 2022 में धनु लग्न राशि के जातकों का। फिर बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के विषय में कि आप मैरिड हैं, कहीं दूसरी जगह भी आपका कुछ चल रहा है प्रेम प्रसंग, तो उसकी स्थिति कैसी रहेगी, ग्रह कितना आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कितना आप आगे बढ़ेंगे या वो कहीं उसमें भी तो कोई समस्या नहीं खड़ी हो जाएगी। और लास्ट में बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के विषय में, यानी कि जिन जातकों का पहले बहुत अच्छी रिलेशनशिप में थे, वो बहुत अच्छा प्रेम प्रसंग चल रहा था, किसी कारणवश उनको अलग होना पड़ा और लंबे समय से वो अलग थे, अब वो दोबारा चाहते हैं कि वही अपने प्रिय साथी के साथ वो दोबारा रिलेशनशिप कायम करें और उसको आगे लंबे समय तक सर्वाइव कर पाएँ उस रिलेशनशिप में, उसके लिए अगर प्रयास करेंगे तो क्या ग्रहों के आधार पर आपको सफलता प्राप्त होगी, ग्रह आपको इजाज़त दे रहे हैं इस बात की या नहीं दे रहे हैं, इस विषय में भी बात होंगी। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले हम अपने सभी आप जो दर्शक गण हैं उनका सहृदय धन्यवाद देना चाहेंगे, वो इस बात के लिए कि ये जो मंथली लव राशि फल है ये आपके द्वारा बहुत अधिक पसंद किया जा रहा है और बड़े अच्छे कमेंट्स आपके आ रहे हैं, उनको देख करके पढ़ करके मन बहुत प्रफुल्लित होता है, बहुत प्रसन्न होता है और आगे के लिए प्रेरणा मिलती है कि हम और अधिक मेहनत करके आप तक अच्छे कॉन्टेंट्स पहुँचाएँ और प्रेडिक्शन अच्छी दें। और वैसे तो देखिए साथियों, हम बहुत लंबी डिस्कशन कर सकते हैं, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम तो कर लेंगे डिस्कशन और शायद आपको भी पसंद आए सुनने से, लेकिन क्या होगा कि चीज़ें बाद में फिर व्यक्ति भूल जाता है लंबी डिस्कशन सुनने के बाद, जो मेन बातें हैं वो दिमाग से निकल जाएंगी। तो इसलिए हमारी क्या इच्छा रहती है कि जो भी ग्रहों का इशारा है, जो भी ग्रहों के द्वारा रिजल्ट्स मिलने हैं आपको, वो हम टू द पॉइंट बात करके ही आप तक उनको पहुंचाने की हमारी चेष्टा रहती है, ताकि वो आपके दिमाग में चीज़ें रहें, आप भूलें ना। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं प्रिय साथियों। सबसे पहले जो सिंगल जातक हैं धनु लग्न राशि के, उनके विषय में बताएंगे। मेरे प्रिय साथियों, 1 तारीख से लेके, अगस्त से लेके आप जो सिंगल जातक हैं और 10 तारीख तक स्थिति ठीक नहीं रहेगी, मानसिक तौर पे भी, मतलब आप इस फैसला लेने की पोजीशन में ही नहीं रहोगे कि आप आखिरकार चाहते क्या हैं, आप चाहेंगे जो चाहेंगे वो कर नहीं पाएंगे या जो चाहेंगे वो आपको हासिल नहीं हो पाएगा, कुछ ऐसी ग्रहों की स्थिति है, कुछ जटिल स्थिति है। और ये जटिल स्थिति पहले से चल रही है, हमने पिछले भी आपको जुलाई के
महीने की जो प्रेडिक्शन दी थी उसमें भी आप धनु लग्न राशि के जातकों को कुछ ऐसा ही बोला था। लेकिन अब ये स्थिति बदलेगी, थोड़ा इसमें थोड़ा चेंज आएगा, वो 10 तारीख से आएगा। 10 तारीख के बाद से जो है माह के अंत तक इतनी पशोपेश वाली स्थिति तो नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी कंफ्यूजिंग तो रहेगा। आप ये डिसाइड करने में थोड़ा सा आपको मुश्किल पेश आएगी कि आप आखिरकार चाहते क्या हैं, करना क्या चाहते हैं। तो यहां पर थोड़ा आपकी तरफ से भी कमी यही रहेगी, और वो भी ग्रहों के कारण, ग्रह ही ऐसा करवा रहे हैं, यानी कि आपको आगे बढ़ना नहीं देना चाहते ग्रह। और यदि आप बढ़ते भी हैं, चलिए आप डिटरमिंड होकर के आगे बढ़ते भी हैं कि नहीं मैं कैसे देखता हूं या देखती हूं कि कैसे नहीं फैसला होगा, ये फैसला आपसे ये गलत करा देंगे, ये फैसला ये आपसे गलत करा देंगे, ये जो ग्रह स्थिति है इस समय, और उसके लिए फिर आपको पश्चाताप करना पड़ेगा और आपको अपनी गलती के लिए काफ़ी तकलीफ होगी कि मेरे से ये जल्दबाजी में कदम ऐसा क्यों उठा लिया। तो अभी ग्रहों के कारण, ग्रहों की स्थिति को देखते हुए हम आपको यही कहना चाहेंगे कि अभी विचार जो है इस प्रकार का अगर कोई मन में आ रहा है, ठीक है, आता रहता है विचार, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अभी कुछ बहुत ज़्यादा गंभीरता पूर्वक सोचने का समय नहीं है, अन्यथा आपके लिए थोड़ा परेशानियाँ खड़ी हो जाएंगी। तो अभी आप इन चीज़ों को अगर आपने कोई मित्र अभी नहीं बना है आपका, और अगर आप कुछ विचार कर रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा इसको पेंडिंग रखें, हमारा कहने का भाव ये है। और अगर आपने कहीं जल्दबाजी में प्रपोज कर दिया या कुछ ऐसा हो गया, तो फिर उसके नतीजे कुछ मुझे उनको लेकर के अच्छे नतीजे मिले, इस बात को लेकर मुझे पूरा डाउट है। तो यहाँ पर हम यही कहना चाहेंगे कि अभी थोड़ा सा पेशेंस से काम लें, अभी थोड़ा समय रहेगा, जैसे ही ग्रहों की अच्छी स्थिति आएगी तब हम आपसे बात करेंगे। तो हालांकि मित्र, यहाँ पर कन्फ्यूजिंग की बात क्यों कह रहा हूँ मैं, मित्र की ओर से आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि नहीं ऐसी बात तो नहीं है, मेरा जो मित्र है जिसको मैं पसंद करती हूँ या करता हूँ उसकी तरफ से तो बड़े अच्छे संकेत हैं मेरे पास, लेकिन अभी तो अच्छे हैं, लेकिन कल कुछ अगर आपने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया सॉलिड, तो आगे चल करके वो आपको फिर अपनी गलती का एहसास भी होगा। तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं थोड़ा शांत रहें, अभी स्थिति अच्छी नहीं है। और बात करेंगे जो लव रिलेशनशिप में पहले से चल रहे हैं या जिनके अफेयर्स हैं, उनके लिए भी बताना चाहेंगे कि देखिए साथियों, अपने मित्र के साथ, चाहे वो फीमेल है या मेल, बहुत ही समझदारी के साथ, बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से आपने और उनके जो बीच की जो रिलेशनशिप है इसको हैंडल करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ को लेकर के बात में मतलब तनाव पैदा हो सकता है किसी ना किसी बात के कारण आप दोनों के बीच। तो बहुत ये चीज़ें जो हैं बहुत ही मतलब नाजुक दौर है ये महीना अगस्त का, और अभी आगे भी रहेगा थोड़ा। तो अपने मित्र के साथ जो है, एक तो ये होता है कि बिल्कुल एकदम सब चीज़ जो बोल दिया ठीक, जो नहीं बोल दिया, मित्र है भाई, वहाँ नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी जो है ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी है कि ये आपके जीवन में तनाव पैदा करा देंगे, इसलिए यहाँ पर हम आपको कह रहे हैं कि आप अपने दिमाग से बहुत ही सोच समझ करके ही चीज़ों को हैंडल करें। और विवाह का तो अभी कोई योग ही नहीं है इस महीने, विवाह जैसी स्थिति तो है ही नहीं, तो उसके बारे में तो सोचना बेकार है, क्योंकि अगर आप कुछ करेंगे भी उसके लिए प्रयास तो उसमें सफल नहीं होंगे, ग्रह होने ही नहीं देंगे सफल आपको, ऐसा है ही नहीं कोई योग सफलता मिलने वाला विवाह को लेके, मैरिज को लेके। अब बात करेंगे जो मैरिड कपल्स हैं उनके वैवाहिक सुखों के विषय में। तो देखिए, मैरिड जो कपल्स हैं आपका बहुत ही एक तरीके से मैं कहूँगा सामान्य वैवाहिक जीवन निकलेगा, विशेष रूप से 20 तारीख तक, 1 तारीख से लेके 1 अगस्त से 20 अगस्त तक का जो समय है ये बहुत सामान्य तरीके से निकल जाएगा आपका। हाँ, 20 तारीख से लेके जो 31 तारीख का है समय, उसमें थोड़ा बहुत आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत उथल पुथल हो सकती है, थोड़ा बहुत कह रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, तो सचेत रहिएगा उस समय पर 20 तारीख से लेकर 31 के बीच में, अगस्त में। आगे बात करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल को लेके। देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा,
पहले से अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, प्रिय साथियों, तो ये जो स्थिति है अगर आप पहले से चल रहे हैं तो इस महीने इसका आपको कोई बहुत ज़्यादा एडवांटेज आपको मिलेगा या कुछ बहुत रिलेशनशिप आपकी स्ट्रांग होगी, मुझे कुछ ऐसी ग्रहों की स्थिति के आधार पर सिचुएशन बनती नज़र आ नहीं रही है। हाँ, आपकी ओर से कोशिश रह सकती है, लेकिन उसमें कुछ विशेष सफलता आपको मिल जाए या कुछ आगे चले जाएंगे, आप कुछ ज़्यादा उसको एंजॉय कर पाएं, इस बात की संभावना थोड़ी कम है। और यहाँ पर गुरु बृहस्पति भी जो है धनु लग्न राशि के हैं, आप गुरु बृहस्पति की भी जो स्थिति है वो कुंडली में कुछ ऐसी बन रही है कि वो भी ये नहीं चाहेंगे कि आप अपनी मैरिज, जो मैरिड लाइफ है, उसके अतिरिक्त कहीं दूसरी जगह आपके संबंध बने, तो गुरु का भी यहाँ पर काफ़ी विशेष रोल है। तो इस प्रकार की जो स्थिति रहने वाली है ये आपको कंट्रोल करेंगे गुरु कहीं ना कहीं, और आप ये सोचने के लिए आपको मजबूर करेंगे कि छोड़ो कुछ नहीं रखा, मैरिड लाइफ पे ही फोकस करते हैं, थोड़ा बहुत वैसे ही आप कर लें, बाकी कोई ठोस नतीजे आपके जीवन में मिल जाएं इस महीने अगस्त में, इसकी संभावना बहुत ना के बराबर है। आगे बात करेंगे जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। प्रिय साथियों, बेशक आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, पहले बहुत अच्छी रिलेशनशिप में थे, अब आपकी इच्छा कहीं ना कहीं ये जागृत हो रही है कि हम पहले जैसी रिलेशनशिप में आ जाएं दोनों, जैसे पहले थे, और आप बहुत सीरियसली और ईमानदारी के साथ ऑनेस्टली कुछ एफर्ट करना चाहते हैं इस दिशा में, तो आपके जो प्रयास हैं इनमें कुछ परेशानियां आपको अधिक फेस करनी पड़ेंगी, इतना आसान नहीं है। अभी ये जो दौर चल रहा है, ये जो महीना है अगस्त का, ये रिजल्ट्स मिलने का नहीं है। अभी तो जो प्रयास आप करेंगे ना इन चीज़ों को के लिए या इन चीज़ों को प्राप्त कि भाई मेरे साथी के साथ मेरे संबंध कायम हो जाए, तो अभी इन चीज़ों में कुछ मुझे दिक्कतें पेश आ रही हैं नज़र, इतना आसान नज़र नहीं आ रहा कि आप चाहें और एकदम आपका कॉन्टैक्ट बन जाए, बातचीत हो जाए और उधर से भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल जाए, अभी ये बहुत दूर की बात है। अभी ग्रहों के आधार पर हम ये बात कह रहे हैं कि अभी ग्रह इस बात की दूर तक भी इजाज़त आपको नहीं दे रहे हैं। हम ये भी नहीं कह रहे कि आप प्रयास ना करें, लेकिन अभी आपके किए हुए प्रयासों का आपको कुछ अच्छा ठोस परिणाम मिल जाए इसकी संभावना इस महीने नहीं है, उसमें कुछ परेशानियां अधिक हैं। तो देखिए, परेशानियां तो होंगी, हर कार्य को पूरा करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये तो हमें मान लेना चाहिए, कोई भी काम आसान नहीं होता। तो अगर परेशानियां आ रही हैं तो आ जाएंगी, कल ये परेशानियां भी दूर होंगी जब ग्रहों की स्थिति बदलेगी, तो इसलिए नाउम्मीद ना हो। अगर आप ऐसी इच्छा रखते हैं तो अपने, और अगर बिल्कुल आप ऑनेस्ट हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के, सच्चे हृदय से सच्चे मन से आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आज नहीं तो कल निश्चित रूप से सफलता तो मिलनी है। तो अभी जो सिचुएशन रहे इस महीने की, उससे हमने आपको अवगत कराने की कोशिश की है। अब हम आपसे यही कहना चाहेंगे अंत में कि अगर ये धनु लग्न राशि के जो आप जातक हैं, आपको ये राशिफल पसंद आया है तो आप इसको लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इससे लाभ ले पाएंगे। और यदि आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनने हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर, उनकी नोटिफिकेशन सर्वे वीडियोज़ भी समय रहते आप तक पहुँच जाएँ, तो फिर जो आप ये बेल आइकन देख रहे हैं इसको पुश जरूर करें। इसी के साथ प्रिय मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद, जय माता।